वेलकम टू योर फेवरेट चैनल्स। आई एम योर टीचर अर्श और इस सेशन में हम सीखने वाले एक बहुत ही मस्त, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक जिससे आप कोई भी दो नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर पाओगे विद इन 10 सेकेंड्स। यस, यू हर्ड मी राइट। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये लैटिस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। इफ यू आर वेरी न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर बच्चा यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वी ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट हियर। आप जा सकते हैं, खुद चैनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये लैटिस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है। मैम क्या लेके आई हैं आज? सो लेट्स हैव अ लुक। तो अगर मुझे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि हमें एक छोटू सा टेबल बनाना है। ठीक है, लैटिस क्या होता है, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ द लैटिस। तो कुछ नहीं सोचना है, बस क्या सोचना है कि मैम सिंस वी आर मल्टीप्लाइंग हियर 28 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे। सिंस वी आर मल्टीप्लाइंग अ टू डिजिट नंबर विद अ सिंगल डिजिट नंबर सो वी विल ड्रॉ अ 2x1 का टेबल विच विल हैव टू कॉलम्स इन वन रो लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना दिया। ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर है, टेबल बनाना है छोटू सा, बना दिया मैम। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन सेल्स को डिवाइड करेंगे डायगोनल से। ठीक है, जिससे हमारे पास एक लैटिस फॉर्म हो जाएगा, एक लैटिस सा बन जाएगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायगोनल बनाया, फिर एक और डायगोनल बन सकता है तो एक और डायगोनल बना दिया। और अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे इन डायगोनल्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख रही हूँ, वो समझ में आएगा आगे जाके कि मैम एक्सटेंड क्यों किया है। सो ओवर हियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंस टू डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने टेबल बनाया 2:1 का, 2x1 का हमने टेबल बना दिया। उसके बाद डायगोनल से हमने टेबल के सेल्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू लेबल द लैटिस। अब लेबलिंग कैसे होगा, सिंस जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था वो क्या था, 28 था, जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा क्या है, 5। तो 28 का जो 2 एंड 8 है वी विल राइट इट अबव द कॉलम हियर लाइक दिस। तो 2 एंड 8 ऐसे लिखा जाएगा और जो ये 5 है इसको आप राइट साइड पे ऐसे लिख सकते हैं। अब व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप, आई थिंक फर्स्ट टू स्टेप्स आर सुपर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड स्टेप में बच्चा हम क्या करेंगे, हम अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब मैम नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक सेल है तो इसमें ऊपर 8 है, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 5, सो वी विल मल्टीप्लाई 5 by 8। 8 5s are 40 होता है, सो वी विल राइट 40 लाइक दिस हियर। देन इफ आई मूव टू दिस सेल तो यहाँ पे क्या है, इस सेल के टॉप पे तो 2 है और इस सेल के राइट हैंड साइड पे अगेन 5 ही है, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 5 by 2, वी विल गेट 10, सो वी विल राइट 10 लाइक दिस हियर। बस यहाँ तक आ चुके हो तो अब काम बन गया बच्चों, आपकी यहाँ से मल्टीप्लिकेशन एंड हो जाएगी। कैसे, बस अब नंबर्स को ऐड करना है इजी पीजी। जो डायगोनल्स मैंने एक्सटेंड करने को बोला था वो इसीलिए बोला था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, डायगोनल्स के आसपास जो भी है नंबर्स उनको हमने करना है ऐड यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ डायगोनल के इस तरफ सिर्फ 0 है तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो 2 नंबर्स है तो 4 और 0 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और ऑन दिस साइड ऑफ द डायगोनल वी हैव ओनली 1, सो आई विल राइट 1 हियर। सो द फाइनल आंसर दैट वी गॉट ओवर हियर इज 140। चाहे चेक करके देख लो, यही आंसर आपको आएगा। अब देखो किसी भी ट्रिक को अच्छे से सीखने के लिए आपको बहुत सारे नंबर्स पे वो ट्रिक अप्लाई करके देखनी होती है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। चलो और नंबर्स देखते हैं मैम और प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे ये लैटिस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। नाउ वी हैव अ 2-digit number गेटिंग मल्टीप्लाइड विद अ 2-digit number। तो यहाँ पे आई होप दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि हमें टेबल कौन से साइज का बनाना है। हम यहाँ पे बनाएंगे 2x2 का टेबल क्योंकि 2-digit number 2-digit number से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो बना लें फटाफट से टेबल। चलो मेरे साथ साथ बनाओ, जिनको समझ में आ गया मेरे से पहले टेबल बना के मुझे आंसर दे दो। तो चलो जी मैम टेबल बना देते हैं 2x2 का। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स बना दिए, अरे मैम ये तो 3 का बन गया। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कॉलम्स बना दिए और यहाँ पे मैंने ये 2 रोज बना दी, चलेगा? यस, ठीक है। अब ये वाला नंबर क्या है, 43 को ऐसे लिख देते हैं, 24 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ।
राइट, ऐसे ही तो किया था। अब हमने क्या किया था, सेल्स को डिवाइड किया था डायगनल्स के साथ, वही करके ये वाले सेल को ऐसे डायगनल के साथ डिवाइड करोगे, वो देखो डायगनल अगर एक्सटेंड करोगे तो दूसरे सेल को भी बिल्कुल बीच में से काट के जाएगा वो। यहाँ पे भी डायगनल बन सकता है, ये भी बना दिया, और यहाँ पे भी डायगनल बन सकता है, ये भी बना दिया मैंने। ठीक है, तो लैटिस बन गया हमारे पास। बस अब लास्ट स्टेप क्या है, हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है और उसके बाद ऐड करना है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम ये वाली सेल की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ऑफकोर्स ऊपर 3 है और यहाँ पे 2 है, सो 3 एंड 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 टू से 6 होते हैं, पर सिंस यहाँ पे दो डिजिट का प्लेस है तो वी विल राइट 06 हियर। ठीक है, अब अगर मुझे इस सेल पे लिखना है, अब इस सेल पे क्या लिखा जाएगा मैम, ऊपर 4 है सेल की और राइट हैंड साइड पे 2 है, सो 4 टू से 8 होता है, तो यहाँ पे आई विल राइट 08। क्लियर है? अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाली सेल पे मैम ऊपर 4 है, राइट साइड पे भी 4 है, तो 4 4 16 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। और सिमिलरली इस वाली सेल पे क्या आ जाएगा, ऊपर 3 है और इधर 4 है, 4 3 12, तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगी। लैटिस बनाना सबको आ गया, मल्टीप्लाई कैसे करना है नंबर्स को सबको समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया, एंड फिर हमने 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया। आई होप समझ में आ गया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। सेल को उठाया करो, सेल के ऊपर क्या कौन सा नंबर बैठा और सेल के राइट साइड पे कौन सा नंबर बैठा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, बस ये सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, चलो अब ऐड करते हैं। अब डायगनल की सारी सारी तरफ देखना है कि क्या क्या बन सकता है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चा, राइट साइड से हम हमेशा स्टार्ट करेंगे क्योंकि कैरी आने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैम केवल 2 बैठा है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे है 6 1 एंड 6, तो इनको ऐड करते हैं, 6 2 12 और 1 13, तो ये 3 हो जाएगा। 1 मैंने यहाँ पे ले लिया कैरी, 13 का 1 कैरी कर लिया मैंने आगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 1 + 8 + 1 करना, तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। तो 10 का 0 यहाँ पे लिख देंगे, 1 यहाँ पे हो गया कैरी और यहाँ पे केवल 1 रह जाएगा। सो यहाँ पे आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1032। सबका मैच किया ना, अगर मैच किया मतलब आपने ये लेटेस्ट मेथड सीख लिया अच्छे से। वेरी गुड, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, 3 डिजिट नंबर को हम 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स टेबल कौन सा बनेगा, टेबल का डायमेंशन होने वाला है 3/2। ठीक है, तो हमें चाहिए 3 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो इस तरीके का टेबल दिखेगा, राइट, 3 कॉलम्स बना लिए और 2 रोज बना दिए। अच्छा, 216 यहाँ पे लिख देंगे, 216 और 54 को राइट हैंड साइड पे लिख देंगे, यही तो किया था। चलो अब लेटर्स बनाते हैं डायगनल से, इन सभी सेल्स को करते हैं डिवाइड। डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा ऐसे कैंसिल होगा। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे हमने इसको भी डिवाइड करके एक्सटेंड कर दिया, और ये भी यहाँ पे भी डायगनल बना के डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक लैटिस बन गया। चलो बस अब मल्टीप्लिकेशन करना है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट सेल में क्या लिखूँ, फर्स्ट सेल में 6 है और 5 है, तो 6 5 30 होता है, तो आई विल राइट 30 है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 है और 5 है, तो 1 5 5 होता है, तो 05 को यहाँ लिख दिया। 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, 5 2 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अब मैं थोड़ा तेज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें, जब आपको एक बार ट्रिक समझ में आ गया तो आप ये सब चीज़ें तेज़ कर सकते हो, माइंड में कर सकते हो और फटाफट से लैटिस को फिल करके अपने आंसर तक पहुँच सकते हो। अब 4 वाली रो पे आते हैं, 4 6 24 होता है तो यहाँ लिख दिया, 4 1 4 होता है तो यहाँ लिख दिया, 4 2 8 होता है तो यहाँ इस सेल में लिख दिया। ठीक है, चलिए अब लेट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तो मैम सिर्फ 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 + 2 क्या हो गया, +0, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 8 + 5 + 3 और 0, इन सबको ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 5 6 7 8 2 16, तो यहाँ पे 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 1 हम इधर कैरी कर देंगे। अब इस वाले डायगनल में देखो तो 0 + 1 + 0 + 0 ये, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ऊपर भी हमारे पास 1 है, तो सही आंसर है इसका 1 1 6 4। ज़रा मल्टीप्लाई करके चेक करके भी देख लो। ठीक है, आपको 10 सेकेंड से भी, मतलब मैं ये बोलूँगी 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करने में। चलो लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल, और डू यू गाइज वॉन्ट
टू ट्राई इट, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि किस तरीके से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से हमें टेबल बनाना है एंड देन सेल्स को डिवाइड करना है. सो आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस क्वेश्चन आउट. तो मैं ये दे रही हूँ आपको एक होमवर्क क्वेश्चन, इसको ट्राई करना है. बस एक हिंट दे देती हूँ, क्योंकि सिंस टू डिजिट नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय टू डिजिट नंबर, सो यहाँ पे जो टेबल बनेगा वो 2x2 का बनेगा टेबल. ठीक है, कॉलम्स के ऊपर लिखो 26, राइट हैंड साइड पे लिखो 54, उसके बाद कर दो मल्टीप्लाई एंड देन एड एंड गिव मी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, आई होप यू लव दिस ट्रिक. एंड इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे देती हूँ, जो बच्चे और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हैंड्स ऑन करना चाहते हैं इस ट्रिक पे, ताकि कभी आपको भूले ना. ठीक है, तो 169 को मल्टीप्लाई करके देखना 75 के साथ, 110 को मल्टीप्लाई करके देखो आप 9 के साथ, 3-डिजिट नंबर को 1-डिजिट के साथ भी मल्टीप्लाई करके देखो. दिस इज़ अ वेरी इजी वन. ठीक है, बहुत इजी है, कर सकते हो इसको. उसके बाद आप एक, ये तो अब आपके लिए हलवा हो जाएगा, 22 को आप लेट्स से 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो. ठीक है, तो ये वाले एग्जाम्पल्स ज़रा करना, इनके आंसर्स निकालना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, आई एम श्योर आई विल चेक योर कॉमेंट्स. ठीक है, तो कॉमेंट सेक्शन जैसे ही ओपन होगा तो मेक श्योर यू कॉमेंट दी आंसर्स बिलो. आई विल चेक ऑल दीज answers to all these 4 questions that I've given you as homework. Okay, so thank you so much for watching the session, and make sure you subscribe to both these channels because we bring you the best quality content here. And आपको खुद जाके check भी करना चाहिए. Do not forget to hit the like button. अगर आपको ये trick पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ भी share करो, ताकि उनको भी multiplication से इतना डर ना लगे और वो भी easily multiplication को tackle कर सके. So thank you so much. I'll keep on bringing such sessions for all of you. तब तक के लिए bye bye, lots of love, and keep on learning with Byju's.